हाउ टू ग्रो अ गेमिंग यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि एक गेमिंग यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो किया जा सकता है। ये वीडियो कोई फेक नहीं है या फिर कोई क्लिकबेट नहीं है, उसमें जो कुछ बताया गया है ये बिल्कुल सही है। तो पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो यूट्यूब चैनल छोड़ना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक आखिरी तक मतलब एक बार देख लो, क्या पता चले आपको इसमें अपनी गलती पता चल जाए और आप जो है यूट्यूब चैनल ना छोड़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब चैनल मत छोड़ें, मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला, लेकिन क्या पता आपको अपनी गलती पता चल जाए कि मतलब मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मेरी जो वीडियो है उस पर खुद मैं खुद कह रहा हूँ 5 से 10 व्यू आते हैं, लेकिन मैंने इसे नहीं छोड़ा। आज मैंने सोचा कि अब मैं YouTube चैनल छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं मतलब सोच ही रहा था आज कि भाई अब मैं YouTube चैनल तो नहीं कर सकता, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते। लेकिन तभी एक जो मैंने आज वीडियो डाली थी ना, एक मैंने वीडियो डाली तो उस पर एक कमेंट आता है, उसका नाम था MD इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने मेरी वीडियो पर कमेंट किया। उसने भाई एकदम अच्छे से लिखा कि मतलब भाई मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आई सपोर्ट यू। भाई मेरी जो हालत थी, भाई मेरा चेहरा आप देख नहीं सकते, एकदम रोने जैसा उस समय हो गया था, आप सोच नहीं सकते कि मैं ठीक है। तब भाई मैं क्या बोलूँ, अब मुझे लगा कि मैं हार नहीं मान सकता। कहते हैं ना, जब कुछ बड़ा करते हैं तो उसके लिए मेहनत तो लगती ही है, तो बस वही करना है हमें बस। तो मैं आपको बता दूँ कि कई लोग आपसे कहते हैं, कुछ ट्रिक्स में बात करूँगा, ठीक है, कुछ टिप्स बताऊँगा जो आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। अब मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है आपसे क्या कहते हैं कि भाई लंबी वीडियो होनी चाहिए जिससे YouTube को लगे कि भाई बंदा मेहनत कर रहा है, एक मिनट में ही बात सुनो। लंबी वीडियो डालने से कोई व्यूज़ नहीं आएंगे, आएंगे भी और नहीं आएंगे। अब कितने बंदे कहेंगे, अब कितने लोग भी मतलब कह रहे होंगे जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि कार्लोस भाई ये तो क्या कह रहा है, बड़े यूट्यूबर्स एक एक घंटे की दो दो घंटे की वीडियो डालते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ वो एक एक घंटे की दो दो घंटे की वीडियो डालते हैं, लेकिन उनकी अच्छी खासी सब्सक्राइबर्स हैं। क्या उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, तो बंदे क्या करते हैं उनकी वीडियो देखते हैं। लेकिन आपने इसीलिए इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, है ना, इसीलिए क्लिक किया है कि आपके सब्सक्राइबर नहीं है, तो भाई आपको क्यों देखेगा कोई, वाई। मेरे को यही बताना है कि मतलब भाई शॉर्ट लॉन्ग वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप शॉर्ट वीडियो डालो, मतलब मिनिमम 2 से 3 मिनट की वीडियो डाल सकते हो तो वैसे डालो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका नेट बचेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। और दूसरी टिप्स की बात कर लेते हैं, एक है शॉर्ट वीडियोस। शॉर्ट वीडियोस का आप लोग फ़ायदा नहीं उठाए, हाँ, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं शॉर्ट वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो आप जो है बहुत जल्दी वायरल हो सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए एक दिन में एक वीडियो डालते हो शॉर्ट, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या करेगा, 2 वीडियो डाल देगा, चलो ठीक है, लेकिन उसमें कोई चांस है वायरल होने का, नहीं। अगर आप यही एक दिन में 3 से 4 वीडियो डालते हो, मान लो आप जो 10 मिनट की वीडियो डालते थे उसमें ज़्यादा नहीं जाता है, उसी में अगर 3 से 4 वीडियो डाल देते हो तो उसमें ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें यूट्यूब का एल्गोरिथम समझेगा पहली बार कि मतलब भाई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा वीडियो भी डाल रहा है, और दूसरा मतलब 3 से 4 वीडियो रहेगी तो एक वीडियो वायरल होने का फुल चांस रहता है कि मतलब ये वीडियो वायरल हो सकती है, तो फिर ये भी एक चांस हो सकता है। और तीसरी भाई, ये सबसे खास टिप्स है, और इसे भाई अगर आपने देख लिया ना तो भाई आपकी लाइफ सेट, जी हाँ, आपका यूट्यूब चैनल यूं ग्रो हो जाएगा अगर आपने इसे समझ लिया तो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कितने सारे यूट्यूबर्स, कितने सारे क्रिएटर्स आपसे ये कहते हैं कि भाई कुछ अलग कंटेंट डालो, कंटेंट में एकदम दमदार होना चाहिए, जो बंदे आपकी वीडियो को पसंद करे जिससे। लेकिन मैं भी खुद कह रहा हूँ आपको जो है क्या करना है, ऐसा कंटेंट डालना है जो लोगों को पसंद आए। लेकिन ऐसा कौन सा कंटेंट डाले, क्योंकि ये तो कोई बताता नहीं आखिर हम कौन सा कंटेंट डाल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कौन सा कंटेंट डालने की बात होती है, लोग मतलब बताते तो है कंटेंट डालना है, लेकिन ये नहीं बताते कैसा डालना है। अब एक बार बताता हूँ मैं, पबजी लाइट जो है गॉट फ्री के बारे में बताता हूँ।
जैसे अभी ट्रेंड पे क्या चल रहा है पबजी लाइट में, गॉड ट्रेन वाइटी वर्सेस सिंसियर नॉइन, अभी स्टेडियम पे फाइट हुई थी ठीक है, अब सारे के सारे बंदे ने क्या किया है उन सब ने गॉड ट्रेन वाइटी वर्सेस सिंसियर नॉइन के ऊपर कितनी सारी वीडियो डाल रखी है, हजारों से ज्यादा वीडियो डली है उनके ऊपर। आप एक बात बताओ, आपने भी एक वीडियो डाल दी ठीक है, आपने भी एक वीडियो डाल दी, अब एक मेरे को बात बताओ क्या वो वीडियो वायरल होने के चांस है, कहाँ वो हजारों हजारों वीडियोज होंगे उस पर व्यूज भी होंगे। आप एक वही गॉड ट्रेन वाइटी वर्सेस सिंसियर नॉइन लगाओगे क्या आपका नाम भी मुश्किल से आएगा वहाँ पर? नहीं आएगा, क्योंकि पहले से इतनी सारी वीडियो डल रखी है, अब आप भी क्या डालोगे? तो अब एक बार आप कितने बंदे बोलेंगे कि भाई कार्लोस भाई यार उनके कैसे वीडियो आते हैं, तो मैं वही चीज बताऊंगा, उनकी जो फैन फॉलोइंग है उनके सब्सक्राइबर जो है वो उस वीडियो को देख लेते हैं, और आप भी तो वही करते हो ना, जिस पे ज़्यादा व्यूज है उसी पे क्लिक करते हो, तो उनके जो सब्सक्राइबर मान लो देख लेते हैं उनकी वीडियो, मान लो के में हो जाती है मान लो आप लोग ठीक है, तो बंदे देखते हैं कि भाई इसके व्यूज़ के में है, इसी की वीडियो देखेंगे, तो ये होता है। अब आपको क्या करना है, इसी बीच कुछ अलग करना है, क्या अलग करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको एक चीज़ अलग करनी है, वो है जैसे आप कुछ ऐसा कर सकते हो जैसे गॉड प्रवीण वाइटी वर्सेस मी, या फिर कुछ अलग ऐसा, मतलब भाई जो पॉपुलर हो ऐसा नाम ला दो जो पॉपुलर है पबजी लाइट में लेकिन उसका नाम जैसे अभी तक नहीं लिया गया हो। हाँ, ऐसा कोई यूट्यूबर ढूंढो जो मतलब इसके 50-60K 70K है ठीक है, पॉपुलर भी है लेकिन आज तक उसके ऊपर कभी ऐसी वीडियो ना बनी है गॉड प्रवीण वाइटी वर्सेस ये बंदा या फिर वो बंदा या फिर इंस्टाग्राम वर्सेस ये बंदा या वो बंदा, तो कोई ऐसा यूट्यूबर आपको ढूंढना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अगर सर्च करते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, कुछ अलग करो। अब एक बात बताता हूँ इससे होगा क्या, अगर आप गॉड प्रवीण वाइटी वर्सेस इंस्टाग्राम नॉन लिखते हो तो भाई बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर कितनी सारी वीडियो बनी है, लेकिन इसी में अगर आप कुछ अलग कर देते हो ना, जैसे आप लिख सकते हो मी वर्सेस गॉड प्रवीण वाइटी, तो उसमें क्या करना है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की वीडियो बनानी है फिर 2 मिनट की ठीक है, इतना काफ़ी है। अब लिखना क्या है, गॉड प्रवीण वाइटी वर्सेस मी, इसमें क्या होगा बंदे को लगेगा भाई इनके बीच लड़ाई हुई है, मैच में आए हैं इनके बीच कंट्रोवर्सी हुई, तो बंदे क्या करेंगे उस वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो आपको क्या करना है, शुरू के जो 1-2 मिनट की वीडियो है शुरू के ना 1 मिनट या फिर 1 मिनट से ज़्यादा गॉड प्रवीण का मैच दिखाना है ठीक है, कोई ऐसा मैच दिखाना है ठीक है, उसके बाद क्या करना है जो आधा मतलब वीडियो ख़त्म होने वाले हो तब आपको अपना मैच दिखा देना है। इससे क्या होगा मेरे भाई, भले वीडियो पे लाइक नहीं आएगी, भले लोग कमेंट नहीं बोलेंगे, ऐसे कमेंट करेंगे ये नहीं पता, लेकिन एक बात बता देता हूँ, यूट्यूब का जो एल्गोरिज्म है ना वो ये नहीं देखता भाई कितनी लाइक है कितनी डिसलाइक है कैसे कमेंट है क्यों कमेंट है कितने कमेंट है, वो बस ये देखता है आपके व्यूज़ और वॉच टाइम। और व्यूज़ और वॉच टाइम कैसे बढ़ गया, कि मतलब बंदे ने पहले उस पर क्लिक किया, भाई उन्हें लगा हो कि भाई इनके बीच फाइट हुई है, तो क्या किया बंदों ने उसके ऊपर क्लिक किया। और दूसरी बात, वॉच टाइम कैसे बढ़ा, आपने 1 मिनट के लिए गॉड प्रवीण का मैच दिखाया तो वो लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे आप फाइट होने वाले फाइट होने वाले, तो इससे क्या हुआ वॉच टाइम बढ़ गया ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है फुल फुल चांस वायरल हो जाएगी, 101% लगा लो आपकी वीडियो वायरल होने का फुल चांस हो जाएगा, क्योंकि वॉच टाइम भी अच्छा खासा है, व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, तो यूट्यूब क्या करेगा उस वीडियो को और ज़्यादा आगे भेजेगा। और भी एक सीक्रेट टिप बताऊँगा, आप जो है सभी यूट्यूबर्स करते हैं लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आपका जो है फोकस एकदम यूट्यूब के अपने चैनल पर ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। हम मानता हूँ कितने सारे होते हैं अगर दूसरा भी काम उन्हें होता है, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, आपके दिमाग में मतलब यूट्यूब की बातें जब चलती रहती हैं ना, तो आपको यूट्यूब के लिए सोचना आइडिया आते रहते हैं ठीक है, आप कुछ ऐसा आइडिया जैसे ही आए ना कोई आइडिया कोई सा भी आइडिया है, आपको क्या करना है उसे अपनी नोटबुक में या फिर अपने मोबाइल में कहीं पर लिख लेना है उस आइडिया को। आपको एक दिन में 10-20 आइडिया आ गए ठीक है, उतने काफ़ी है। अब उसमें से सबसे बेस्ट आइडिया आपको लगा ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दो, हाँ उसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बना दो। इससे क्या होगा भाई, इससे आपका माइंड भी उधर रिकवर होता रहेगा, तो मतलब आपको पता चलता रहेगा कि भाई कैसी कैसी वीडियोज़ बनानी है, और इससे यही जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं यही करते हैं ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप यूट्यूब मेरे वीडियो को जो है क्या करें लाइक करें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगा कि भाई ये वीडियो इस बंदे ने बिल्कुल सही बताई है या फिर थोड़ा सा भी सही बताया है, तब आप लाइक करो। मैं ये भी नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आपको लगता है कि भाई इस बंदे में दम है, आगे जा सकते हैं, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ,
मतलब आपको लगता है कि मेरे अंदर दम है तो भाई मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर आपको लगता है कि भाई मैं आगे जा सकता हूँ तो ही आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि भाई लाइक करने के लायक है तो ही करना। चलो भाई बाय बाय।